Selam Batu. Aşağı hep az söz konuştuk. Kırkça kişi var, kantin var. Un karşı karenge, aksa bir sene rota, la patrolle, var anki bak. बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपना नया पाठ पाठ 10 एक दिन की बादशाह शुरू कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपका पाठ से परिचय करा देती हूँ कि इंसान की कुछ मानसिकता ही ऐसी है बच्चों कि उसे अपनी स्थिति कभी भी अच्छी नहीं लगती और दूसरों की स्थिति हमेशा अच्छी लगती है, क्योंकि स्वयं की स्थिति में अच्छी और बुरी दोनों बातें हमारे सामने होती हैं और हम उन्हें समझते हैं, जबकि दूसरे की स्थिति में हमें केवल अच्छी बातें ही दिखाई देती हैं। इसी कारण हम हमेशा दूसरे की स्थिति को अच्छी मानकर स्वयं को उसी स्थिति में देखना चाहते हैं, जबकि हमको हमारे कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमारे कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें पूरे मनोयोग से पूरा करना चाहिए। जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसमें व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे आसपास के लोगों का, उनकी बातों का भी ध्यान रखते हुए अपना कार्य करना पड़ता है। यह कहानी भी कुछ इसी प्रकार की घटना पर आधारित है, जिसमें बच्चों को अपने ऊपर लगी पाबंदियां मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। अपने कर्तव्य के प्रति वे बेखबर होते हैं। वहीं उन्हें अपने घर में अपने से बड़े लोगों की कर्तव्य, उसको पूरा करने में आने वाली परेशानियां, मेहनत उन्हें दिखाई नहीं देती। उन्हें केवल ऐसा लगता है कि घर के बड़े पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और आनंदित रहते हैं, अतः ये स्वयं को उनके स्थान पर देखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इस वीडियो में पाठ को एक दिन की बादशाह को पढ़ने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। ठीक है, हम अब पाठ को पढ़ेंगे। एक दिन की बादशाह, आरिफ सलीम। चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि पापा झोड़कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान भी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी ना कर सकते थे। तभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाई जान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह राय जाता है। बच्चों पर कर रही हूँ। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने
मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक छापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, इतना हरीरा पिएंगी आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट सब इन सबको दे दो। क्या कहा उसे? दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमार अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सब, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। 10 क्या कहा अब्बा? फॉरेन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। हम आगे बढ़ते हैं। चुप चुप चौप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए, रजिया जरा मुझे
5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने सुनकर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। अब आगे बढ़ते बच्चों। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। ओहो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज के लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। अब हम आगे बढ़ते बच्चों। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाई जान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाई जान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बना करे बस, मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी में, लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो जाएगी। क्या उसे शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। क्या कहा उसने, आज वह सफेद वायल की साड़ी पहनना। अच्छा,
चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। ये लिखा है बच्चों जिलानी बानो, उर्दू से अनुवाद किया है लक्ष्मीचंद गुप्त जी ने। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। अब इस पाठ का सारांश मैं अगले वीडियो में भेजूंगी। तब तक के लिए साई राम।